हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाहाबाद के चटोरे, योर यूट्यूब चैनल इलाहाबाद के चटोरे। और आज हम लोग आए हैं ढाबा के फूड टूर पे। एक चीज तो है कि आप कभी भी कहीं पे भी आप किसी भी रेस्टोरेंट में खा लो या कहीं पे भी खा लो, बट जो मजा ढाबा देता है वो कोई नहीं दे पाता। आप कहीं भी जाइए। और ये भी है कि अगर अच्छा ढाबा है और लोग उसको पसंद करते हैं उसकी चीजों को, तो फिर आप आना ही पड़ेगा। आपको नाम सुन के, जैसे कि तीन चार ढाबे हमारे इलाहाबाद में बहुत ज्यादा फेमस है, आउटर पे है पर बहुत ज्यादा फेमस है, तो उन्हीं में से आज हम आए हैं एक दुबे जी भोजनालय में। आप देख सकते हो इनका बाहर का बोर्ड जो है, देखिए उल्टा दिखेगा पर आपको। बाकी चलिए आज हम यहीं का फूड रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का फूड क्वालिटी कैसी है, किस तरह से ये बनाते हैं, और इनके ओनर से भी बात करेंगे। फैमिली रूम जहाँ पे आप अपने फैमिलीज के साथ आके बैठ के खा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने बताया है हमको, अभी हम इनसे दो मिनट का वार्तालाप करेंगे इनके ढाबे के बारे में इनके ओनर से, पर इन्होंने ये बताया है जो कि बहुत अच्छी चीज है कि ये खोया दूध जितनी भी है सब सारी चीजें हैं तो ये खुद ही से बनाते हैं। जैसे कि पनीर ये खुद ही से बनाते हैं और खोया का भी ये खुद ही करते हैं, दूध मंगवा के गाँव से अपने। तो शुद्धता तो है और प्योर वेजिटेरियन है तो प्योर वेज वाले तो आ सकते हैं, और जो नॉन वेज खाते हैं वेज खाना है, ढाबे का खाना है। और उन ढाबों में नहीं जाना है अगर आपको मन नहीं है कि आप बहुत बार जा चुके हो, जिनका आप नाम पहले सुन चुके हो, तो आप यहाँ पे एक बार आ सकते हो। ये सेंटर से, इलाहाबाद के सेंटर से केवल और केवल 23 किलोमीटर दूर है, सहसों की रोड पे है। आप इसको सर्च करके दुबे भोजनालय के नाम से आप देख सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन में इनका आपका लोकेशन है तो आप उसके में भी देख सकते हो। एकदम सीधी सी बात है, बिना किसी बकवास के सीधा खाने के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास पूरा एक प्लेट फुल है। अब बताते हैं इसमें क्या क्या है। इनकी जितनी भी स्पेशलिटी है वो यहाँ पे है, और भी इनकी जो पनीर की जो जितनी भी सब्जियाँ हैं वो सब इनकी स्पेशल है, क्योंकि पनीर ये खुद ही बनाते हैं अपने दूध से जो ये गाँव से मंगवाते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास काजू कोरमा है, ये अभी टेस्ट तो करके बताएंगे बट ऐसे भी इंट्रोडक्शन दे दें। और ये हमारे पास है वो पनीर बटर मसाला जो कि तीखे में यहाँ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो कभी भी आप आइए इसको आप जरूर ऑर्डर करिए। ये है मिक्स वेज, एक नंबर सब्जी होती है। ये हमारी तंदूरी रोटी, और एक चीज और जो यहाँ की तंदूरी रोटी है आप बाकी जगहों को कंपेयर करेंगे तो बहुत अलग है, देख सकते हो। और ये टाइट भी नहीं है, जैसे कि एकदम आराम से आपका कुरकुरापन भी है और एकदम मुलायम भी है, तो अलग है एकदम, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। और ये हमारी बटर नान, और ये अचार सबके सब जानते हैं, सलाद है। और ये जो है हमारी फ्राई दाल। अब देखो भाई ऐसा है, अब बात है कि अब हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा माइक जो है, क्योंकि अब फोन रखा जा रहा है। तो सीधा टेस्ट करके बताते हैं हर एक सब्जी के बारे में, और फिर आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे आइए, कमेंट में बताइए हम लोगों को कि आपको कैसा लगा यहाँ का खाना। देखो जब सुबह से भूखे होना और एकदम बेहतरीन खाना मिल जाए तो फिर चेहरे की रौनक जो है वो अपने आप बता रही थी कि टेस्ट कैसा है। इसमें हल्का सा मीठा पानी, क्योंकि ये मेनली दूध की ही इसमें ग्रेवी बनती है जो भैया यहाँ के भैया लोग बनाते हैं।
तो मीठा बन आएगा, बट बहुत बेहतरीन है। और हमने और विशाल ने सुबह से कुछ नहीं खाया और करीब हम लोग 11 बजे से निकले हुए हैं, पर अब मज़ा आ रहा है, इंतजार का फल अच्छा होता है। और ये है हमारी मिक्सेज, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है, ये पूरी इनकी एक नंबर सब्जियां हैं, सारी की सारी चीजें इनका बस मत खाना। हाँ, तो अब जो और भी चीजें हैं जैसे कि दाल है, तो जब तक ना मिले तब तक तो ठीक है, पर जब भूखे पेट में आपको एकदम मतलब मिल जाती हैं चीजें बहुत बेहतरीन, तो फिर पनीर बटर मसाला में कूट कूट के बटर है और ये तीखापन आपको देगा, काफी अच्छा खासा तीखापन देगा। तो अब चलिए अब इसको हम लोग खाते हैं, खत्म करते हैं, फिर आगे इनके जो सबसे स्पेशल चीज है डेजर्ट में वो है यहाँ की खीर, जो कि आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी, मेरे ख्याल से और कहीं मिलेगी भी नहीं, तो और मैं उसका बहुत ज्यादा दीवाना हूँ उस खीर का। तो चलिए अब उसके बारे में बात करेंगे, अभी इसको खत्म करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर की, कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी जो खीर है वो काफी फेमस है और बहुत ही बेहतरीन खीर है। तो भैया आप बताइए कि आपने इस ढाबे के बारे में, क्योंकि हमने जितनी भी चीजें आज तक यहाँ पे खाई है जब से पता चला है करीब एक डेढ़ साल से, और उन सब तो सारी चीजें बहुत बेहतरीन है, बट ये जो खीर है इसके बारे में कुछ बताइए और आप अपने ढाबे के बारे में कुछ। क्वालिटी है कि इसको बनने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, खीर जो है क्रेमी है और आप लोगों के सहयोग से अभी होती है, इतनी भी अच्छी लगती है। हमारा ढाबा लगभग 20 साल हो गए, हमारे बड़े भाई साहब ने स्टार्ट किया था दादी ने, उसके बाद हम लोग उसको चला रहे हैं, उनका बेटा चला रहा है, उन लोगों को मैंने किया है। हमारे ढाबे की खासियत ये कि हम लोग शुद्ध का ज्यादा प्रयास करते हैं, कि हम लोग मार्केट से पनीर नहीं लाते हैं, खुद बनाते हैं, खोआ भी खुद बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि अच्छा हो, लोगों को शुद्ध मिले, अच्छा मिले, सेवा पहले भोजन बाद में, ये तो नहीं प्रयास है। ये तो हम लोग ने देखा सारी जितनी भी खाने की चीजें हैं और जो भी हैं वो सब एकदम मतलब सब एकदम सफाई से ही बन रही है, और इसकी बात तो एकदम अलग ही है, खीर है। और यहाँ की जो खीर है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और जिन लोगों ने भी एक भी बार खाई है तो 99% यही हुआ है कि वो हमेशा यहाँ की खीर को प्रेफर करते हैं। और मैं भी कई बार यहाँ मतलब केवल खीर खाने यहाँ पे चले आते हैं हम लोग बगैती बगैती में। तो चलिए शेयर लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको रेसिपीज दिखाई हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन रेसिपीज को देखिए, घर पे ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कैसा बना पाए और कितना अच्छा बना आप लोग से। और बाकी जिंदगी बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, फिर मिलते रहेंगे। थैंक यू।